कभी आपने सोचा है कि बीन के शेप वाला हमारा ये अंग जिसे किडनी कहते हैं वो काम कैसे करता है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर वाला ये ऑर्गन हमारे फीस्ट के आकार जितना बड़ा होता है, पर हमारे शरीर में न जाने कितने ही महत्वपूर्ण हार्मोन और हमारे शरीर में फ्लूइड यानी पानी की मात्रा को बैलेंस कर हमारे शरीर में यूरिन बनाता है। किडनी हमारे शरीर के इस भाग में मौजूद होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। देखिए, जब किडनी की संरचना को देखते हैं तो आप पाते हो कि किडनी की संरचना अंदर से बहुत ही पेचीदा है। एक बार किडनी की संरचना को देख लेते हैं। जब आप किडनी की संरचना को देखते हो तो आप पाते हो किडनी को कुछ इस तरह। इसमें किडनी के बाहर वाला ये जो संरचना आप देख रहे हो वो है कॉर्टेक्स, किडनी के कैप्सूल के अंदरूनी भाग का सबसे बाहरी हिस्सा। ये है किडनी का मेड्यूला एरिया और ये वो एरिया है जहाँ पर खून का फिल्टर करके किडनी यूरिन बनाकर लाती है। पर आप जानते हैं कि इस किडनी के अंदर एक ऐसी संरचना भी होती है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये वही संरचना है जो ब्लड को प्योरीफाई कर यूरिन बनाती है और वो होता है ये छोटे छोटे नेफ्रॉन्स जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस नेफ्रॉन से जुड़े हुए होते हैं खून को ले जाने और ले आने वाली कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे ब्लड कैपिलरीज, जहां से खून इस नेफ्रॉन में जाता है और यही नेफ्रॉन खून को फिल्टर कर यूरिन बनाता है। अब देखिए, किडनी खून को प्योरीफाई कर दोबारा से आर्टरी में छोड़ देती है, जिसके लिए ये जरूरी है कि किडनी से एक वीन जो कि किडनी को खून सप्लाई करे और एक आर्टरी जुड़ी हो जो छने हुए खून को कैरी करे और पूरे शरीर में फैलाए। तो ऐसा होता भी है। ये है वो वीन और ये है वो आर्टरी जो किडनी से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, जैसे किडनी से ये बड़े बड़े ब्लड वेसल्स जुड़े रहते हैं ना, तो हार्ट से पंप ब्लड किडनी के अंदर प्रवेश करते हैं जो कि अंदर जाकर कई सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं और इन ब्लड कैपिलरीज से जुड़े रहते हैं किडनी की सबसे इम्पॉर्टेंट संरचना जो कि होता है नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। देखिए, जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड लाती हैं नेफ्रॉन की तरफ, वो प्रेशर की वजह से नेफ्रॉन के इस वाले भाग में चला जाता है जहाँ वहाँ पर ब्लड के प्लाज्मा सहित पूरे ब्लड में जो भी वेस्ट होता है वो यहाँ फिल्टर होकर यहाँ से होता हुआ पूरे नेफ्रॉन को पार कर यहाँ से किडनी के रीनल पेल्विस एरिया में आ जाता है। ये फिल्टर किया हुआ मटेरियल यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यही होता है वो यूरिन जिसे हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। दूसरी ओर वही फिल्टर हुआ ब्लड आर्टरीज में आकर पूरे बॉडी में फैल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि किडनी का काम केवल इतना ही नहीं है, इसका काम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाना भी होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जिसे एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करने का काम हमारे किडनी का ही होता है, जिसके वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता ही होगा कि हमारे शरीर में मौजूद खून का निर्माण भी हड्डियों में मौजूद स्टेम सेल से ही होता है जो कि एक्टिव होते हैं किडनी द्वारा कुछ रिलीज किए हुए केमिकल के द्वारा। जब ये केमिकल रिलीज होकर ब्लड के थ्रू हमारे लॉन्ग बोन्स में पहुंचते हैं तब वहां से ये स्टेम सेल खून बनाने का काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जैसे चीजें। तो किडनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आप समझ ही गए होंगे और किडनी से संबंधित कितनी भयानक भयानक बीमारियां आज के समय में बढ़ती ही जा रही हैं अपने गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से। तो आप अपने किडनी को ज़रूर ही बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। क्या आप किडनी के बारे में कुछ और अधिक जानते हैं? अगर जानते हैं तो तुरंत ही नीचे कमेंट करके हमें बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त रोचक टॉपिक के साथ।